तो मेरे प्यार बच्चों, वेलकम सेवा लॉजी। और जैसे कि हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने पूरा का पूरा एंजाइम देख लिया था बेटा लोग, अब हम पढ़ेंगे क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। नोमेनक्लेचर से मीन्स क्या समझते हो बेटा? नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम का मतलब है बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम का मतलब है हम क्या करेंगे कि नेमिंग करेंगे एंजाइम की। जैसे मैं बताऊँ एग्जांपल में, अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें क्या कि हमारे पास जो रहता है बेटा, एक एग्जांपल है E-R-I-1, ठीक है। तो ई जो रहता है ये फर्स्ट लेटर रहता है, ये फर्स्ट लेटर है बेटा, और ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लेटर किसको, जीनस को। किसकी जीनस बेटा? बैक्टीरिया की जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाम क्या है? ईस्चेरिचिया, इसको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है बेटा? CO, सेकेंड और थर्ड लेटर। ये सेकेंड और थर्ड लेटर क्या करता है बेटा, हमें रिप्रेजेंट करता है किसको, बैक्टीरियल स्पीसीज। किसको? बैक्टीरियल स्पीसीज, ठीक है। एंड दिस लाइक बोलूँ मैं कोला है। एंड थर्ड वन इज व्हाट? आर इज नॉट रिप्रेजेंटेड टू एनीवन, बेसिकली नॉट एनीवन, और बेसिकली आर इज रिप्रेजेंट टू आर बाय स्ट्रेंस। इतना खास महत्व नहीं देते हम। और एस को जो बोलते हैं हम बेटा, क्या बोलते हैं, ये वन जो रोमन नंबर रहता है, रोल नंबर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा क्या तो याद रखो, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंटेड लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंटेड दी, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंटेड दी जीनस, वो भी किसकी, बैक्टीरिया की। सेकंड इज वन व्हाट? सेकंड एंड थर्ड लेटर रिप्रेजेंटेड, सेकंड एंड थर्ड लेटर रिप्रेजेंटेड दी बैक्टीरियल स्पीसीज, ठीक है ना। एंड फोर्थ लेटर इज रिप्रेजेंटेड दी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इट इज नॉट सो एसेंशियल। लेटर इट इज रिप्रेजेंटेड द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इट इज नॉट वेरी मच एसेंशियल, ठीक है। एंड लास्ट लेटर इज रिप्रेजेंटेड इन रोमन नंबर, लास्ट लेटर इज रिप्रेजेंटेड टू रोमन नंबर, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, एक वेक्टर लेने की बात करते हैं।
और वेक्टर डीएनए देखने से पहले हम कुछ नहीं, एक चीज़ एक डायग्राम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा क्वेश्चन आता भी है। तो ये डायग्राम देख लेंगे, डायग्राम देखने के बाद बेटा क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन सब कुछ इसका देखने को मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊँ सिंपल सही, एक गोला बना लो, मान लो ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, इस साइड पे ये ब्लैक कलर से और इस साइड पे ये ग्रीन कलर से। तो राइट साइड में तुम्हारे पास क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है बेटा, यस और नॉट। और लेफ्ट साइड क्या होता है, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। अब ये लेफ्ट साइड वाले, इसके जस्ट नीचे एक साइड और होती है जहाँ पे क्या होता है, सब चीज़ों का ओरिजिन होता है। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, डार्क कर रहा हूँ ये वाली साइड। और ये साइड जो होती है बेटा लोग, ये साइड जो होती है, ये वो होती है, वो क्या होती है, एप्लीकेशन ओ आर आई साइड होती है। इसके ऊपर मैंने बताया था विजय, जो एल वाला, जो ये वाला पोर्शन है एल साइड जो है, ठीक है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है, एम्पिसिलिन, ठीक। यहाँ पे दो और साइड होती हैं, यहाँ पर दो और साइड होती हैं, एक साइड होती है पी बी यू फर्स्ट और दूसरी साइड होती है पी एच टी वन, एक साइड होती है पी बी यू वन, दूसरी साइड होती है पी एच टी वन, ठीक है। इसके ऊपर जाते हैं तब चोर भागता है यहाँ से, चोर क्या करता है, इस एम्पिसिलिन भागता है, भागते जाता है यहाँ पर, तो इसको क्या होता है, साइकिल चलाते हुए भागते जाता है। जब साइकिल चलाते हुए भागते जाता है बेटा, तो यहाँ पे क्या मिलता है इसको, क्लावन और हिंड थ्री। हिंड थ्री क्यों, क्योंकि इन लोग तीन रहते हैं साइकिल में, तीन मंदिर जाते हैं, भागते जाते हैं। और साइंस में क्या करते हैं, एक और चीज़ करते हुए जाते हैं जिसका नाम है इको आर वन, मतलब ये चिल्लाते हुए इको निकालते हुए भागते हुए जाते हैं, ठीक है, भागते हुए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद बेटा हमारे भागते हुए जाते हैं, ये पहुँचते हैं धीरे से किसके पास, टेट्रासाइक्लिन के पास, टेट्रासाइक्लिन के पास पहुँचते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन हम ऑल्सो टू साइड्स, जो सही, तो क्या निकालते हैं, इको निकालते हैं, वो भी कैसे, बेस के साथ, इको निकालते हैं वो भी कैसे बेटा, बेस के साथ, विद्धि बेस क्या करने निकालते, इको निकालते हैं, है ना, और साउंड करते हुए जाते हैं। नीचे प्रेजेंट रहता है एक और साइड जिसको हम बोलते हैं बेटा इसके अंदर रोप, ये जो रोप है ये प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटीन रिप्रेजेंट इन प्लाज्मिड हेल्प इन रेप्लिकेशन, ठीक है, ये याद रखना। तो इसके ट्रिक देख लो, ऐसा कुछ ट्रिक ट्रिक है कि हमने बोला लेफ्ट एंड राइट पे हमारे पास क्या है बेटा, लेफ्ट में एम्पिसिलिन है और राइट में क्या है हमारे पास, राइट में क्या है हमारे पास, लेफ्ट में एम्पिसिलिन है और राइट में है हमारे पास बेटा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। और ये जो साइकिल चालू होती है ओरिजिन से चालू होती है, ओरिजिन मींस ओ और आई, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो याद रखो जब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से चालू हो रहा है बेटा, तो ये यहाँ एम्पिसिलिन के पास जाता है, भागते हुए जाता है और यहाँ पे क्या कराता है, पेपर का सिलेक्शन कराता है और पेपर का वायरल कराता है, पेपर का सिलेक्शन कराता है और पेपर का वायरल कराता है, ठीक। पेपर का वायरल करा के ये भागता है, कहाँ पहुँचता है, ये ऊपर ऊपर, यहाँ पे इसके पास तीन दोस्त होते हैं, तीन दोस्त होते हैं हैंड थ्री,
है ना, तीन दोस्त होते हैं, हिंट थ्री, भागता किसके साथ है, साइकिल के साथ, और साथ में एक और रहता है इकोला है, इको करके भागते रहता है। फिर क्या हो गया, पहुँचता कहाँ पर, ट्रैक्टर साइकिल के पास। हम पहुँचते हैं ट्रैक्टर साइकिल के पास, ट्रैक्टर साइकिल में क्या बचता है, बेस BMH1 और साल्वन, ठीक है। और ये फाइनली पहुँचता है किसमें, एक प्रोटीन, तब थक जाता है तो खाता है प्रोटीन, और प्रोटीन खाता है, और प्रोटीन किसको दिलाता है, ये प्लाज्मिड में, और प्लाज्मिड को हेल्प करता है किसमें, सेफ्लिकेशन में, ठीक है ना, है ना। थैंक यू।